बदल गया जमाना, सच के साथ नहीं झूठ के साथ दुनिया खड़ती है, और आजकल जलाने के लिए माचिस की नहीं तरक्की की जरूरत पड़ती है। धक्के तो हमने खाए, कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे। अजी ठोकरे तो हमने खाई, कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे। और हमारे दिन क्या बदले, साले गूंगे भी हाल पूछने लगे। कौन कहता है कि हमें पबजी ने बर्बाद किया, कि कौन कहता है कि हमें पबजी ने बर्बाद किया। जब कोई नहीं था मेरे साथ तो पबजी ने मेरा साथ दिया। किसी ने हमसे पूछा कि इतना फ्री फायर में खोए क्यों रहते हो, कि किसी ने हमसे पूछा कि इतना फ्री फायर में खोए क्यों रहते हो, तो हमने भी मुस्कुरा के कह दिया कि किसी के दिल से खेलना हमें आता नहीं और फ्री फायर हमसे दूर जाता नहीं। मुझसे जलते हो तो अपनी जलन को थोड़ा कम रखना, क्योंकि मेरी वजह से लोग इंस्पायर कम एक्सपायर ज्यादा होते हैं। अक्सर भौंकते हो तुम लोग मेरे पीठ के पीछे, इस बात से कोई हैरानी नहीं, और तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो, इसके पीछे की कहानी नहीं। हम पबजी वाले दोस्त, पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। और क्या बोला रे फ्री फायर वाले नुबड़े, कि फ्री फायर वाले छुप छुप के नहीं खेलते। तो तुम रास्ते पे जो दीवार बनाते हो वो पेंटिंग के लिए बनाते हो क्या? अरे ओए पबजी वाले नल्ले, क्या बोला? पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। असल में बेटा पबजी वाले कुत्ते, काटते नहीं भोंकते। और क्या बोला बेटा, हम दीवार पेंटिंग के लिए बनाते। बेटा हमारे फ्री फायर में तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है जो जंगल में जाके चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे। और बेटा जो तू दीवार बोल रहा है ना, उसे दीवार नहीं कहते, ग्लूवाल कहते। पहले बोलना सीख, उसके बाद वीडियो बना। शेर के आने तक जंगल में बहुत सी बातें होती हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है। बस मैं जब सामने आता हूँ तब किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी है, मुझे देख हर कोई चुप रहता है। हम बहुत खामोशी से काम करते हैं, कि हम बहुत खामोशी से काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के बाप से डरते हैं।